गर्मी बहुत ज़्यादा है और मन करता है कुछ ठंडा पिया जाए, तो आज मैं समर ड्रिंक्स की 6 रेसिपीज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपको एकदम फ्रेश कर देंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंदना की रसोई। मैं हूँ वंदना और आज हम बनाने जा रहे हैं 6 रिफ्रेशिंग समर ड्रिंक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं मसाला सोडा। मसाला सोडा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक जार लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पुदीना और थोड़े से ये अदरक के टुकड़े हैं ये दो। थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा, भुना हुआ जीरा है ये। थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक और एक पुन्ने भरकर डाल रही हूँ लेमन जूस का, नींबू का रस और एक चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ भर के पाउडर शुगर का। और इसको हम एक बार अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, इसको पीस लेंगे। तो ये देखिए, ये मसाला हमारा तैयार है। मैंने इसको पीसते वक्त इसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया था, मैं आपको बताना भूल गई। आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, बिल्कुल 2 चम्मच, तो उसके बाद इसको पीसें। तो चलिए अब मसाला सोडा तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ग्लास में डाल रही हूँ आइस क्यूब्स। और अब जो हमने मसाला तैयार किया था वो मैं इसमें डाल रही हूँ। ये मैंने 3 चम्मच मसाले के डाल दिए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये एक लेमन का स्लाइस और थोड़े से पुदीने के पत्ते और थोड़ी सी मैं इसमें डाल रही हूँ शुगर। शुगर ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालें, अदरवाइज इसको स्किप कर दें। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये सोडा वाटर। सोडा वाटर हम इसमें थोड़ा सा और डाल देंगे और अब हम इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। ये स्ट्रॉ की हेल्प से ही मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। और अब हम इस पे लगा देंगे एक लेमन का स्लाइस और ये हमारा मसाला सोडा एकदम रेडी है। तो चलिए नेक्स्ट समर ड्रिंक की तरफ चलते हैं। तो अब हम बनाने जा रहे हैं वर्जन मोजिटो, या आप इसे वर्जन मोहितो भी कह सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लेमन के स्लाइसेस लिए हैं जिनको कि मैंने ऐसे छोटे छोटे पीसीज में कट कर लिया है। तो अब मैं इसमें ये स्लाइसेस डाल रही हूँ और साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ ये पुदीने के पत्ते। और अब हम इसको अच्छे से क्रश कर लेंगे। इसको आप एक बार अच्छे से क्रश कर लें ताकि लेमन का जो जूस है वो सारा निकल जाए इसमें। ये देखिए हम इसको अच्छे से क्रश कर देंगे। तो ये देखिए, ये मैंने इसको अच्छे से क्रश कर लिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ, सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ आइस, थोड़ी सी पाउडर शुगर, 1 स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ लेमन जूस का। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्प्राइट, ये मैंने स्प्राइट लिया है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे एक बार अच्छे से और ये हमारा वर्जन मोहितो एकदम रेडी है। तो इसे हम डेकोरेट कर देंगे एक लेमन के स्लाइस के साथ। तो ये हमारा वर्जन मोहितो एकदम रेडी है। तो चलिए नेक्स्ट समर ड्रिंक की तरफ चलते हैं। तो अब हम बनाने जा रहे हैं रिफ्रेशिंग वाटरमेलन ड्रिंक। इसके लिए मैंने यहाँ पर वाटरमेलन लिया है, वाटरमेलन के मैंने बीज नहीं निकाले हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पुदीना, अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा लेमन जूस, 1 स्पून लेमन जूस, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर, 1 चम्मच शुगर पाउडर और थोड़ा सा पानी।
और इसको अब मैं ब्लेंडिंग जार में डालकर क्रश कर लूंगी अच्छे से। इसका एक अच्छा सा जूस बना लेंगे हम। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, इसका जूस तैयार कर लिया है। अब हम इसको छान लेंगे क्योंकि मैंने बीज नहीं निकाले थे, तो अब हम इसको एक बार अच्छे से छान लेंगे। तो इसको मैंने अच्छे से छान लिया है, तो चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो सर्व करने से पहले सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ आइस क्यूब्स। और अब ये जो लेमन और वाटरमेलन का जूस है वो हम इसमें डाल देंगे। और ये हमारा वाटरमेलन जूस एकदम रेडी है, तो चलिए इसको भी हम वाटरमेलन के स्लाइस के साथ डेकोरेट कर लेते हैं। तो ये हमारा वाटरमेलन ड्रिंक एकदम रेडी है, तो चलिए नेक्स्ट ड्रिंक की तरफ चलते हैं। और अब हम बनाने वाले हैं लेमन सोडा। लेमन सोडा बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ आइस, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ लेमन जूस। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ब्लैक सॉल्ट, थोड़ी सी पाउडर शुगर, और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ और एक लेमन का स्लाइस। और अब हम इसमें डाल रहे हैं ये सोडा वाटर। सोडा वाटर डाल रही हूँ मैं इसमें। और इसको अब हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये हमारा लेमन सोडा जो है वो एकदम रेडी है, तो चलिए अब हम एक लेमन स्लाइस के साथ इसको डेकोरेट कर देंगे। और ये हमारा लेमन सोडा एकदम रेडी है, तो चलिए नेक्स्ट ड्रिंक की तरफ चलते हैं। तो अब हम बनाने जा रहे हैं जलजीरा। तो जलजीरा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इमली का पल्प लिया है। इमली को मैंने थोड़ी देर के लिए भिगोकर रख दिया था और उसका मैंने ये पल्प निकाल लिया है, तो सबसे पहले मैं वो डाल रही हूँ इसमें। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक चम्मच पाउडर शुगर, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा लेमन जूस। आइस क्यूब्स डालूंगी अब मैं इसमें। और साथ में एक अच्छे से फ्लेवर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पुदीना पत्ता, जिसको कि मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और अब मैं इसमें डालूंगी ठंडा पानी। और ये हमारा जलजीरा जो है वो एकदम रेडी है, एक बार इसे मिक्स कर ले। और ये हमारा जलजीरा जो है वो एकदम रेडी है, तो इस पे हम एक लेमन का स्लाइस लगा देंगे। तो ये जलजीरा हमारा एकदम रेडी है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रिंक की तरफ। और अब हम बनाने जा रहे हैं कुकुम्बर ड्रिंक। उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर कुकुम्बर के स्लाइसेस ले रही हूँ। ये मैंने हाफ कुकुम्बर लिया है, और इसमें मैं अभी डाल रही हूँ मिंट लीव्स, थोड़ा सा ये लेमन डाल रही हूँ मैं इसमें, साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, थोड़ी सी पाउडर शुगर, और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा लेमन जूस। लेमन भी डाला है मैंने और लेमन जूस भी डाल रही हूँ मैं इसमें। और अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, इसका एक जूस तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ आइस क्यूब्स। आप चाहे तो इसको छान भी सकते हैं, लेकिन मैं इसे नहीं छान रही हूँ, मैं इसे ऐसे ही सर्व कर रही हूँ। तो ये हमारा कुकुम्बर ड्रिंक जो है वो एकदम रेडी है।
और ये हमारे 6 रिफ्रेशिंग समर ड्रिंक बनकर एकदम रेडी हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।